हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। लिमिट्स ये जो चैप्टर है अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है। मैं यहाँ पर लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हम लिखेंगे लिमिट्स एक्स टेंड्स टू, सपोज मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। ओके, और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ओके, अब ये एक एग्जांपल हमने लिया है टू गेट सम सेंस की लिमिट होता क्या है। ओके, अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 2 का मतलब ये होता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से बहुत क्लोज होगी। 2 से बहुत क्लोज होगी तो आप कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है 2.00000001 समथिंग, या फिर 1.99999 ऐसा कुछ। ओके, जो 2 से काफ़ी क्लोज है। तो एक्स की वैल्यू 2 के बहुत क्लोज है उस समय ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसे इवेल्युएट करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब आप बोलेंगे कि एक्स टेंड्स टू 2 क्यों, एक्स इज इक्वल टू 2 भी तो हम कर सकते थे। तो यहाँ पर जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखें, और अगर आप एक्स इज इक्वल टू 2 कंसिडर करें तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 4 माइनस 4, और डिनोमिनेटर भी होगा 2 माइनस 2। तो इन जनरल आपको रिजल्ट मिलेगा 0/0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो ये फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन एक्स की वैल्यू 2 से अगर क्लोज है, काफ़ी क्लोज है, ओके 2 नहीं है, 2 से काफ़ी क्लोज है, तो दैट टाइम हम ये जो लिमिट की वैल्यू है इसे डिफाइन कर पाएंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर अब मैं एक्स की वैल्यू अगर 2 ना लूँ तो क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 ना लूँ तो यहाँ पर हम ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसको हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। और क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के क्लोज है, इसलिए ये जो एक्स माइनस 2 है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये 0 नहीं है तो एक्स माइनस टू कैन बी कैंसल्ड, एंड आपका जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ पर एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 2 से क्लोज है, काफ़ी क्लोज है। ओके, जैसे 2.100 टाइम 0 लगा के मैंने लिखा 1। ओके, इतना क्लोज। अगर उसमें मैं 2 ऐड करूं तो क्या होगा, 4 के आगे 100 टाइम 0 होगा, 1 होगा, और दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, 4। तो यहाँ पर आप देखें जब एक्स की वैल्यू को अगर पुट करके, डायरेक्ट पुट करके हमें कोई सेंसिबल रिजल्ट मिलता है तो हम वहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अगर हमें एक्स की वैल्यू ओके सब्स्टिट्यूट करके कोई सेंसिबल रिजल्ट नहीं मिलता तो वहाँ पर हम इस तरह से एक्सपांशन करके, कैंसिलेशन करके सॉल्व करेंगे। ओके, और ये पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि ये एक लिमिटिंग केस है। एक्स टेंड्स टू 2, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 2, एंड देयर फोर दिस इज वैलिड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको सेंस आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये आइडिया आपका और डेवलप होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे अगर देखें तो उन्हें एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम मतलब आप समझ लीजिए आपको एक फॉर्मूला ही दिया हुआ है। ओके, वो फॉर्मूला है आपका यहाँ पर लिमिट, फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता है एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो
अब हर बार मैं इसे जैसे यहाँ पर एक्सपांड करके सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम का यूज़ कर लूँगा। ओके, जो बच्चे समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये प्रूफ हुआ है वो टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर सकते हैं और ये फॉर्मूले का सेंस ले सकते हैं। बाकी इन कॉमर्स आपको फॉर्मूले का यूज़ ही करना है, तो हम देखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस होगा हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट करना है हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स। तो ये होगा आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 रूट ऑफ एक्स। नाउ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो 3 प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू 3। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, ये 3 प्लस 6 हो गया 9। तो ये है आपका √9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू √9 कितना होता है? 3। सो 3/3। ओके, तो दिस इज 3/3, 3/3 इज 1। तो आई विल से दैट कि इसका रिजल्ट 1। तो जब तक सब्सटीट्यूट करने पे हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है तब तक हम सब्सटीट्यूट करेंगे। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स पावर -3 -2 पावर -3 डिवाइड बाई एक्स -2। तो अगर इसे हम कंपेयर करें अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एन की वैल्यू आपको -3 मिल रही है और ए की वैल्यू 2 मिल रही है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा और लिखूँगा -3 एन इंटू ए, ए है यहाँ पर 2 पावर एन -1। सो -3 -1, सो दैट इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स 2 पावर -4। सो दैट इज -3 डिवाइड बाई 2 पावर 4। ओके, तो ये हो गया आपका -3 डिवाइड बाई 2 पावर 4। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट। अच्छा, जब तक मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ पर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 जो है इसे लिखूंगा। तो फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर x/3 है माइनस, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 5/3 होना चाहिए, एंड 125 जो है वो 5/3 है, डिवाइड बाई यहाँ पर x/5 माइनस, अच्छा 3 × 5 5/5 होगा। ओके, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर टर्म होना चाहिए x-y। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम x-y से डिवाइड कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया? x-y से डिवाइड कर दिया। तो दिस विल बिकम आपका जो न्यूमरेटर है, आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x/3 -5/3 होल डिवाइड बाय x-5, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 x/5 -5/5 डिवाइड बाय x-5। ओके, तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर देखेंगे ये आपका होगा 3 × 5/3 -1 विच इज इक्वल्स टू, एंड डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर भी लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर होगा आपका यहाँ पर 5/5 है, तो ये होगा 5 × 5/5 -1। ओके, तो ये हो गया 3 × 5² डिवाइड बाई 5 × 5/4। तो दिस इज इक्वल्स टू 3
अच्छा डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर ना 5 पावर 2 न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में सारा पावर ले लेते हैं। 5 पावर 4 प्लस 1 ये 5, 5 माइनस 2। ओके लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करना है। अगर लॉ ऑफ इंडेक्स में आपको कंफ्यूजन है तो पहले आप लॉ ऑफ इंडेक्स एक बार रिवाइज कर लें। 3 डिवाइड बाई 5 पावर, नाउ 5 माइनस 2 इज वॉट 3, तो 3 डिवाइड बाई 5 पावर 3। ओके ये है आपका आंसर। ओके चलिए एक और प्रॉब्लम फटाफट हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये लिमिट x→1 है, तो देखिए आप लेफ्ट और राइट दोनों जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट x→1, पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, x^4 -1^4, और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ फॉर्मूले के फॉर्मेट में, इज इक्वल्स टू लिमिट x→a x³ -a³ (x-a)। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपका होगा 4 × 1^3, और जो राइट हैंड साइड है ये होगा 3 × a^2। ओके तो 4 ये हो गया आपका, 4 = 3a² एंड देयर फोर आपका a² हो गया 4 / 3 एंड देयर फोर आपका a हो गया (+/-2)/√3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 2/√3। ठीक है चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, हटके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही यूज होने वाला है, खाली प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x→7। ये आपका x^1/3 है, माइनस ये है आपका 7^1/3 इंटू ये दूसरे ब्रैकेट में x^1/3 +7^1/3 एंड ये होल डिवाइड बाई यहाँ पर ये x-7। तो जो आप न्यूमरेटर देख रहे हैं वो a-b a+b का फॉर्मेट है, तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a² - b² अगेन। स्कूल में हमने स्टडी किया था a-b, क्या स्टडी किया था, a-b (a+b) ये होता है आपका a² - b². प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड दिस विल बिकम x^2/3 -7^2/3 एंड होल डिवाइड बाई x-7। नाउ ये जो हमने फॉर्मूला देखा है लिमिट x→a(x^n-a)(n)/x-a), इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 2/3 n टाइम्स a^(n-1) दैट इज 2/3 - 1। तो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3, 7^2/3 - 1 कितना हो गया, -1/3 हो गया। ओके तो ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है ओके ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको खुद ट्राई करें। ओके यहाँ मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ लेकिन पॉज करें वीडियो और खुद ट्राई करें प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब ये प्रॉब्लम है लिमिट y→, ओके वेरिएबल x की जगह यहाँ पर वेरिएबल y हमने ले लिया, तो लिमिट y→1, न्यूमरेटर है 2y-2, डिनोमिनेटर है √7+y³ -2। ओहो बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है ये। अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ ये जो 7+y है, ओके 7+y को क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, y→1 है, अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा न्यूमरेटर 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। ओके तो क्या कर सकते हैं, चलिए एक काम करते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट
ये जो 7 + y है, 7 + y को हम कंसिडर कर लेते हैं, t³ कंसिडर कर लेते हैं। ओके, t³ कंसिडर करने से ये रूट हट जाएगा। तो t³ कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर एक तो हो गया कि ये जो y है, y विल बिकम t³ - 7। ओके, y³ हो गया आपका t³ - 7। और एज y टेंड्स टू 1, ओके, आपका जो t³ - 7 है, इट विल टेंड टू 1, देयरफॉर योर t³ विल टेंड टू 8, एंड देयरफॉर t विल टेंड टू 2। ओके, तो हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है, लिमिट को एल से इंडिकेट कर देते हैं, हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो y से चेंज होकर t में कन्वर्ट हो गया, एंड ये हो गया t टेंड टू 2। न्यूमरेटर है 2, y, y की जगह यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे t³ - 7। सो t³ - 7 एंड ये -2 एंड होल डिवाइड बाई ये थर्ड रूट ऑफ ये आपका t³ - 2। ओके, सो ये हो गया आपका लिमिट t→2। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 2t³ - 2, 7^14 -2 होल डिवाइड बाई t - 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट t→2, यहाँ पर 2t³ - 14 - 2, ये हो गया आपका 16 होल डिवाइड बाई t - 2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर हम 2 को कॉमन लें तो ये आपका होगा t³ - 8, एंड डिनोमिनेटर ये होगा आपका t - 2। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट t→2। ये 2 को आप बाहर रख सकते हैं, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, और ये आपका है t³ - 8 है आपका 2³ डिवाइड बाई t - 2। तो दिस विल बिकम 2 × 3 × 2³-1। ओके, सो दिस इज 2 × 3 × 2² तो 2² 4, 4² 8, 8³ = 24। ओके, तो ये आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम अभी तक हमने देखे वो सारे प्रॉब्लम्स में थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे। यहाँ पर लिमिट z→a है और न्यूमरेटर है z²³/2 - a²²/2 डिवाइड बाय z - a, ओके, तो यहाँ पर अब क्या करें हम, बेसिकली ये z²³ - a²² होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि लेट ये जो z+2 है, z+2 को कुछ कंसिडर कर लेते हैं हम, y कंसिडर कर लेते हैं, और a+2 को कंसिडर कर लेते हैं, a+2 को कंसिडर कर लेते हैं b। ओके, तो यहाँ पर पहले जो डिनोमिनेटर है z - a, तो z - a यहाँ पर, अच्छा ये z - a इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू आपकी है y - 2 माइनस a की वैल्यू है b - 2। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये होगा y - 2 - b+2, -2 + 2 कैंसिल, एंड ये हो गया आपका y - b। तो z - a विल बिकम y - b, और z टेंड टू ए विल बिकम
ना जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह हम लिख सकते थे वाई माइनस टू, वाई माइनस टू टेन टू बी माइनस टू एंड देयर फोर वाई टेंड्स टू बी लिख सकते हैं। तो देयर फोर हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो हो जाएगा लिमिट एल इज इक्वल्स टू लिमिट नाउ जेड टेंड टू ए का हो जाएगा वाई टेंड टू बी, जेड टेंड टू ए का हो जाएगा वाई टेंड टू बी जेड प्लस टू, जेड प्लस टू की जगह हम लिखेंगे वाई, तो ये होगा वाई पावर थ्री बाई टू माइनस बी पावर थ्री बाई टू होल डिवाइड बाई वाई माइनस बी। तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू नाउ ये हो गया आपका थ्री डिवाइड बाई टू बी पावर थ्री बाई टू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री डिवाइड बाई टू बी पावर क्या हो गया वन बाई टू। तो दिस इज योर लिमिट एल इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू बी पावर वन बाई टू। एंड ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, तो वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, ऐसे प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी किए, तो चलिए देखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू फाइव, यहाँ पर x पावर थ्री माइनस 125 को मैं फाइव पावर थ्री लिख लेता हूँ डिवाइड बाई x पावर टू माइनस फाइव पावर टू। ये जो आपका न्यूमरेटर है इसे आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस फाइव से, ये जो डिनोमिनेटर है इसे भी डिवाइड कर देते हैं x माइनस फाइव से। तो दिस विल बिकम न्यूमरेटर हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू फाइव x पावर थ्री माइनस फाइव पावर थ्री डिवाइड बाई x माइनस फाइव होल डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू फाइव, ये है x पावर टू माइनस फाइव पावर टू डिवाइड बाई x माइनस। तो जो न्यूमरेटर पार्ट है वो होगा आपका थ्री इंटू फाइव पावर टू और डिनोमिनेटर पार्ट होगा टू इंटू फाइव पावर वन। तो दिस विल बिकम थ्री टाइम्स फाइव डिवाइड बाय टू विच इज इक्वल्स टू फिफ्टीन डिवाइड बाय टू। ओके तो फिफ्टीन बाई टू इज योर आंसर। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे, वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मैं मिस तो नहीं कर रहा, आई थिंक मैंने थोड़े प्रॉब्लम मिस किए हैं। ओके अच्छी बात है मिस किए हैं, ये प्रॉब्लम्स आप ट्राई करेंगे। ओके तो क्या मैंने मिस किया है एक बार यहाँ पर मैं अगर शो करूँ आपको, तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम जो है ये मिस किए। यहाँ पर मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है। ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड इसे आप लिख सकते हैं के इंटू फाइव पावर के माइनस वन और ये है आपका 500। तो 500 को मुझे 5 के पावर में लिखना है, तो अगर मैं 500 को डिवाइड करूँ, ओके 5 से स्टार्ट करूँ तो ये होगा 100, 5 से करूँ तो ये होगा 20, 5 से करूँ तो ये होगा 5 4 ज़ा, दैट मीन्स ये 500 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 क्यूब लिख सकता हूँ, और ये जो क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। ओके तो आंसर सिंपल है, k की वैल्यू 4। ओके द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 4। और ये जो थर्ड क्वेश्चन छूट गया था ये अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स को हम कंसिडर कर लेंगे t, तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा लिमिट, अच्छा x 1 माइनस एक्स t है तो एज x टेंड्स टू 0 है, ओके क्या हो जाएगा t टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तो मेरा लिमिट हो जाएगा लिमिट t टेंड टू 1। ओके न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स k
की जगह ये हो जाएगा टी पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1। ओके तो टी पावर 8 माइनस 1। ओके न्यूमरेटर को टी माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी टी माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे एंड फॉर्मूला हम लगा लेंगे विच इज 8 इंटू 1 पावर 7 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर होगा आपका 2 इंटू 1 पावर 1, 2 माइनस 1 बार, तो न्यूमरेटर 8 डिनोमिनेटर 2 कितना हो गया 2, 4, 8, तो 4 विल बी योर आंसर। आई डोंट थिंक कोई और यहाँ पर प्रॉब्लम हमने मिस किया है, एक बार देख लूँ। यस एक प्रॉब्लम और है जो यहाँ पर हमने मिस किया। ओके शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 1 प्लस x को कंसिडर करना है t एंड एज x टेंड्स टू 0। ओके आपका जो t है t टेंड्स टू 1 हो जाएगा, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाएगा लिमिट। ओके t टेंड्स टू 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर होगा t पावर 1/3 माइनस टी पावर 1/2 होल डिवाइड बाई एक्स, एक्स की जगह ये होगा टी माइनस 1। ओके तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम प्लस 1 माइनस 1 ये एक एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट से होगा क्या, लिमिट टी टेंस टू 1 टी पावर 1/3 माइनस 1, ये जो माइनस 1 है इसे हमने यहाँ पर लिया डिवाइड बाई टी माइनस 1 और यहाँ पर ये माइनस साइन है तो ये माइनस हो गया, लिमिट टी टेंस टू 1 टी पावर हाफ माइनस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1। ओके हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो प्लस 1 है अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा जो कि हो गया है, और अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू 1 पावर 1/3 माइनस 1 विच इज माइनस 2/3 माइनस यहाँ पर होगा ये 1/2 इंटू 1 पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो फाइनली इट इज 1/3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3 to the 6, तो इट इज माइनस 1/6। ओके तो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज। ओके तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का चैप्टर पहले रीड करें एंड देन ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, एक नया मेथड सीखेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लिमिट्स, फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।